गाइस, कैसे हो आप लोग? सबसे पहले तो थैंक यू एवरीबॉडी फॉर योर सपोर्ट एंड एनकरेजिंग मी बाय अप्रिशिएटिंग माय फर्स्ट वीडियो. सो थैंक्स अ लॉट फॉर दैट. आज हमारी टूर का तीसरा दिन है और आज हम आपको बेचारा जी से बड़ौदा ले जा रहे हैं, विच इज़ 218 किलोमीटर फ्रॉम हियर, अबाउट 4 आवर ड्राइव. सो आप नोटिस करेंगे वी नेवर स्टार्ट वेरी अर्ली इन द मॉर्निंग, लाइक 5 or 6 इन द मॉर्निंग. हम एक रिलैक्स मॉर्निंग में थोड़ा आराम करते हैं और वी हैव अ गुड ब्रेकफास्ट इन द होटल ओनली एंड देन वी स्टार्ट बाय 9:30 or 10. और जिससे कि पता नहीं नई जगह है तो हाईवे में कहाँ खाने को अच्छा मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है, और उसके बाद फिर टाइम भी थोड़ा सेव होता है, आधे एक घंटा जो लंच में लग जाता है. सो यूजुअली वी स्टार्ट बिटवीन 9 to 10. तो यहाँ से भी हम ब्रेकफास्ट करके करीब 10 बजे हमने होटल से चेकआउट किया. We had a healthy breakfast in the hotel and after that we checked out from there for Vadodara. बेचारा जी में एक माता का मंदिर है जो बहुत ही मशहूर मंदिर है. ये एक शक्तिपीठ है और यहाँ पे कहते हैं कि सती का बायां हाथ गिरा था यहाँ पे. इसको बहुचारी माता मंदिर भी कहा जाता है. तो यूजुअली बहुत ही क्राउडेड रहता है, बहुत फेमस मंदिर है ये, लेकिन अभी कोविड के समय वहाँ ज़्यादा भीड़ नहीं थी. तो हम वहाँ गए और बड़े अच्छे से दर्शन हो गए. छोटा सा कॉम्प्लेक्स है मंदिर में, इन्होंने थोड़ा मार्बल भी यूज़ किया है. एंड दीज डेज फोटोग्राफी इज़ नॉट अलाउड इन टेम्पल्स. तो कैमरा हम कार में ही छोड़ के चले गए थे, तो वहाँ की फ़ोटो हमारे पास नहीं है आपको दिखाने के लिए. लेकिन अगर आप इधर आइए तो ये मंदिर भी ज़रूर देखिए, यहाँ का एक मशहूर मंदिर है. फिर हम मंदिर से जब चले तो हमारी फाइनल डेस्टिनेशन तो आज की बड़ौदा है. बड़ौदा जाने के लिए रास्ता यहाँ से अहमदाबाद होके ही जाता है एंड जस्ट 16-18 किलोमीटर बिफोर अहमदाबाद और 90 किलोमीटर फ्रॉम बेचारा जी. एक बहुत ही सुंदर स्टेपवेल है 15 सेंचुरी का, जिसे अदलाज की वाव बोला जाता है. तो हम रास्ते में रुकते गए एज इट वॉज़ ऑन द वे ओनली. ये अदलाज की वाव हम 2 साल पहले देख चुके थे. सो वी जस्ट स्पेंड हाफ एन आवर, इतना सुंदर मॉन्यूमेंट था और रस्ते में ही था, तो हमने कहा थोड़ी देर हम यहाँ भी टाइम बिताते हैं. तो हम आपको अदलाज की वाव तो दिखाते हैं, उसके पहले हम उसकी एक कहानी सुनाते हैं विच इज़ लिटिल बिट सैड ऑल्सो. ये 15 सेंचुरी में एक थे राणा वीर सिंह, जो वहाँ के राजा थे, उन्होंने बनवाया था. अदलाज जगह का नाम है इनफैक्ट. तो उन्होंने बनवाया था क्योंकि पानी की कमी थी और लोगों को मीलों पैदल जाना पड़ता था पानी लेने. तो उन्होंने कंस्ट्रक्शन शुरू किया और अभी पूरा नहीं हो पाया था. तो गुजरात का सुल्तान था उस समय महमूद बेगारा, महमूद बेगारा के साथ लड़ाई में राणा वीर सिंह जी मारे गए. और महमूद बेगारा, उनकी एक क्वीन थी जिसका नाम था रानी रुदाबाई और रूपाबाई भी कहते हैं उनको. तो शी वॉज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड महमूद वॉन्टेड टू मैरी हर. तो रानी ने एक शर्त रखी कि तुम ये बावड़ी का काम पूरा करवा दो, उसके बाद मैं तुमसे शादी करूँगी. तो महमूद बेगाड़ा एग्रीड एंड ही स्टार्टेड द कंस्ट्रक्शन ऑफ दिस वाव अगेन. इसीलिए इसमें हिंदू और जैन इन्फ्लुएंस के साथ साथ मुस्लिम इन्फ्लुएंस भी दिखता है, क्योंकि ये कंप्लीट किया गया था बाद में, महमूद बेगाड़ा ने इसे ख़त्म किया था. लेकिन जब स्टेपवेल का काम ख़त्म हो गया तो रानी शी जम्प्ड इन द सेम वेल, इसी अदलाज की वाव में ही शी जम्प्ड एंड शी डाइड. सो लिटिल बिट सैड स्टोरी बट इट्स अ ब्यूटिफुल मॉन्यूमेंट. 5 फ्लोर पर है और हर फ्लोर पे चारों तरफ कमरे बने हैं. बहुत ही सुंदर कार्विंग है सब जगह, तो लोग जाके उन कमरों में गर्मी में बैठ सकते थे, विच यूज़ टू बी कूलर. तो चलिए अब हम आपको ये अदलाज की वाव दिखाते हैं. ये लीजिए, अब हम पहुंच गए हैं अदलाज की वाव, विच इज़ अ ब्यूटीफुल मॉन्यूमेंट. वी जस्ट स्पेंट अबाउट हाफ एन आवर, क्योंकि हम यहाँ पहले भी आ चुके थे. ये 15 सेंचुरी का है और उस समय इसको बनाने में 5 लाख रुपए लगे थे. ये 5 लेवल में है. जैसे जैसे नीचे जाते हैं स्टेप्स पे ठंडा होता जाता है. कहा जाता है उन दिनों कि द टेम्परेचर इनसाइड यूज्ड टू बी 5 डिग्री कूलर देन आउटसाइड. कमरे बने हैं चारों तरफ जहाँ दिन में आके लोग बैठते थे, ठंडा रहता था. दिस वॉज यूज बाई ट्रेवलर्स ऑल्सो एज अ होटल, जो यहाँ स्टे कर सकते थे, एज दिस वॉज ऑन द मेन ट्रेडिंग रूट. अदलाज की वाव में थोड़ा समय बिता करके हम बड़ौदा के लिए निकले, जो कि अब अदलाज की वाव से 130 किलोमीटर है. अहमदाबाद होते हुए ही गए एंड द एक्सप्रेस वे बिटवीन अहमदाबाद टू बड़ौदा, जिसे नेशनल एक्सप्रेस वे 1 भी कहते हैं, इट इज़ सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेस वे इन द कंट्री.
हम बहुत टाइम से ही पहुंच गए, जल्दी ही पहुंच गए हम बड़ौदा। वहां से 4:30 बजे हमने होटल में चेक इन कर लिया। बड़ौदा में हमने 2 दिन रहने का डिसाइड किया है क्योंकि हमारे पहले के 2 दिन काफ़ी हेक्टिक थे और इसके बाद भी हमारा टूर काफ़ी हेक्टिक होने वाला है। सो हमारा यहाँ का स्टे 2 दिन का है। यहाँ एक होटल है ग्रैंड मर्क्योर, विच इज़ अ 4-स्टार होटल, तो हमने वहाँ पर स्टे किया। बहुत ही अच्छा होटल था। कोविड के समय जितने भी प्रिकॉशन लेने चाहिए वो लोग सब ले रहे थे। चेक इन वॉज़ वेरी स्मूथ और हर जगह उन्होंने हर फ्लोर पे लिफ्ट के पास, लिफ्ट के अंदर सब जगह सैनिटाइज़र और टिश्यू रखा था। और हम भी वैसे कोविड के समय में जब ट्रैवल कर रहे थे तो वी वर टेकिंग ऑल द प्रिकॉशन, वी कैरीड आवर ओन लिनन एंड क्विल्ट। तो जब हम कमरे में अपने रूम में जाते थे तो पहले तो 10 मिनट साफ सफाई होती थी, पूरा कमरा सैनिटाइज़ करो, टॉयलेट सीट, ऑल द नॉब्स, हर चीज़ को हम पहले सैनिटाइज़ करते थे। तो जिसमें पहले 10-15 मिनट लगते थे बिफोर वी कुड सेटल डाउन। सो कहीं भी चले जाएं, लगता है झाड़ू पोछे से तो छुटकारा नहीं ही मिलने वाला है। दिस इज़ अ लॉबी ऑफ ग्रैंड मर्क्योर। वी हैड एन एक्सीलेंट स्टे हियर, वेरी पोलाइट एंड प्रोफेशनल स्टाफ। ये हमारा कमरा है जो कि बहुत ही कंफर्टेबल था एंड वी हैड अ गुड स्टे देयर। सो बड़ौदा में फर्स्ट डे के लिए हमने कुछ इतना प्लान नहीं किया था। वी जस्ट ड्रोव अराउंड द सिटी और वहाँ एक लेक है, सो वी ड्रोव अराउंड द लेक ऑल्सो। और रात हो गई थी तब तक, लेकिन जैसे ही हम बड़ौदा में जब घुसे थे तो जगह जगह हमें एक जगदीश स्टोर है वहाँ का, बहुत मशहूर स्नैक्स फरसान जिसे बोलते हैं वहाँ पे, उसका उसके बोर्ड दिखे थे। तो हुआ कि भाई हम वी मस्ट गो देयर। तो जीपीएस की मदद से हम जगदीश स्टोर पहुँच गए एंड इट वाज रियली गुड। हमने तो 3-4 ही पैकेट लिए, अगर पता होता कि इतना अच्छा है तो हम और ले लिए होते, लेकिन बाकी जो लोग थे वहाँ पर आए हुए थे वो तो 5-5, 10-10 किलो लगता है लेकर के बैग भर के जा रहे थे। तो ये है इनफैक्ट जगदीश स्टोर और इस पे इन्होंने लिखा हुआ है नो कोलेस्ट्रॉल और 100% डिलीशियस, सो फेमस फॉर बाकरवड़ी। और आके पैकेट जब हमने दिल्ली में खोला तो हमने कहा तो बहुत ही अच्छा है, और लेना चाहिए था और बहुत ही अच्छा गिफ्ट भी होता लोगों को देने के लिए, तो अब क्या दोबारा बड़ौदा जाएँ। लेकिन फिर देखा इस पर लिखा है कि आप ऑनलाइन भी ले सकते हैं। और फिर डिनर के लिए हम लोग जगदीश स्टोर के ही पास में एक वहाँ रेस्टोरेंट था, गुरुदेव रेस्टोरेंट, सो विच वॉज रिकमेंडेड बाय जगदीश स्टोर ऑल्सो। उन्होंने कहा कि हाँ अच्छा रेस्टोरेंट, आप खा लीजिए। सो वी हैड अ गुजराती थाली देयर विच वॉज गुड। सो दैट वॉज आवर फर्स्ट डे इन बड़ौदा। डिनर वी हैड एट जय गुरुदेव रेस्टोरेंट नेक्स्ट टू जगदीश फसा, गुड फूड। आज हमारा बड़ौदा का दूसरा दिन है और आज हमने यहाँ का मेन अट्रैक्शन जो है यहाँ का पैलेस, जिसे लक्ष्मी विलास पैलेस कहते हैं, वो देखने का प्लान किया है। अभी भी इसमें रॉयल फैमिली रहती है और कई फिल्म्स की शूटिंग भी इस पैलेस में हुई है। एक पुरानी फिल्म थी प्रेम रोग, फिर अभी एक ग्रैंड मस्ती, दिल ही तो है, और भी कुछ फिल्मों की यहाँ पर शूटिंग हुई है। तो हमने जब गूगल पर चेक किया तो उस पर दिखा रहा था कि इट इज़ क्लोज, सो वी वर लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड। फिर हम निकले कि चलो चलते हैं बाहर से देख लेंगे, बाहर से फ़ोटो खींच लेंगे। और वहाँ पहुँचे तो वी वर प्लेजेंटली सरप्राइज दैट इट वाज ओपन। तो चलिए अब हम आपको पैलेस का टूर कराते हैं। दिस इज़ लक्ष्मी विलास पैलेस ऑफ बड़ौदा, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत पैलेस है। आप बड़ौदा आइए तो इसको ज़रूर देखिएगा। ये 19th century का है, 12 साल में ये बन के तैयार हुआ था और उस समय इस पर 27 लाख रुपये का खर्च में ये बन पाया था। इसको बनवाया था महाराजा सयाजी राव गायकवाड़ 3 ने। मेजर चार्ल्स मैंट वॉज द मेन आर्किटेक्ट। इसमें महाराजा, इसमें एक बड़ा गोल्फ कोर्स भी है जो महाराजा ने बाद में अपने यूरोपियन गेस्ट के लिए बनवाया था। ये है गोल्फ कोर्स जो आप अभी देख सकते हैं। नाउ दिस गोल्फ कोर्स इज ओपन टू पब्लिक ऑल्सो। यहाँ जब आते हैं आप तो यहाँ का टिकट है करीब 170 रुपीज़। इसके अंदर एक म्यूजियम भी है, फतेह सिंह म्यूजियम कहते हैं, उसका भी टिकट हमने साथ में ही ले लिया था विच वॉज अबाउट 60 रुपीज़, जो कि यहाँ से वैसे थोड़ा दूर है। गाड़ी लेके हम गए थे और उसकी दूसरी एंट्रेंस है, वहाँ से हम आए थे। आप यहाँ आइए तो यहाँ पर ऑडियो गाइड मिलता है विच इज़ फॉर 100 रुपीज़। वो ऑडियो गाइड आप ज़रूर ले लीजिए क्योंकि उससे हमें इस पैलेस को समझने में बहुत ही हेल्प होती है। एंड द ऑडियो गाइड इज़ अवेलेबल इन ऑल द लैंग्वेज, पंजाबी, मराठी, गुजराती, बंगाली, सब में अवेलेबल है। तो वो इसके बारे में पूरा डिटेल देता है, व्हाट काइंड ऑफ फ्लोरिंग इज देयर, मार्बल कहाँ से आया था, कहाँ पे हिंदू स्टाइल है,
कहाँ पे मुस्लिम स्टाइल है, कहाँ पे गोथिक स्टाइल है, एंड दे हैव अ ह्यूज आर्मरी, तो उसके सब वेपन्स के बारे में बताता है, रॉयल फैमिली की भी कुछ कहानियां सुनाता है, तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और अच्छे ढंग से बनाया है. मैंने तो अब तक जितने भी पैलेस देखे हैं इंडिया में, दिस वॉज द वन ऑफ द बेस्ट पैलेसेस. कहते हैं कि दिस इज 4 times बिगर देन बकिंघम पैलेस, सो एरिया इसका 500 acres से भी ज्यादा है. फोटोग्राफी इज नॉट अलाउड इनसाइड, तो अंदर से तो हम आपको नहीं दिखा सकते, कैमरा खाली यहीं तक अलाउड है, तो अंदर से देखने के लिए तो आपको खुद यहाँ पे बड़ौदा आके देखना होगा. दिस पैलेस इज क्लोज ऑन मंडे एंड अदरवाइज 10 to 5 ये खुला रहता है. फिर पैलेस से निकल के हम पैलेस कॉम्प्लेक्स में ही म्यूजियम है, फतेह सिंह म्यूजियम, वो वहाँ पर गए. है तो ये पैलेस कॉम्प्लेक्स में, लेकिन पैलेस कॉम्प्लेक्स इतना बड़ा है कि वहाँ पैदल नहीं जा सकते हैं, तो हम उसकी एंट्रेंस का गेट भी अलग है, एंट्री गेट अलग है, तो हम कार लेकर के वहाँ पर गए. फोटोग्राफी तो वहाँ भी नहीं अलाउड है, तो हम आपको दिखा नहीं सकते हैं, लेकिन ये जिस बिल्डिंग में है ये म्यूजियम, अब ये बिल्डिंग उस समय रॉयल फैमिली के बच्चों का स्कूल हुआ था करता था, और उसी में उन्होंने म्यूजियम बना दिया है. हमने 1.5 घंटा समय बिता दिया. अच्छा म्यूजियम था ये, इसमें रॉयल फैमिली के कपड़े और उस समय जो वो अपने ट्रैवल में उन्होंने फ्रॉम आउट ऑफ इंडिया और इंडिया में जो भी उनका कलेक्शन था वो है, और काफ़ी सारी पेंटिंग्स हैं. राजा रवि वर्मा की भी पेंटिंग है, और भी इंडियन पेंटर और यूरोपियन पेंटर्स वगैरह की पेंटिंग भी हैं. सो ये एक अच्छा म्यूज़ियम है, और जब यहाँ आते हैं तो ये पैलेस और म्यूज़ियम तो ज़रूरी देखना चाहिए, ये तो यहाँ के 2 main अट्रैक्शन हैं. फॉर लंच वी हैड दिस पंजाबी थाली विच वॉज गुड. फिर शाम को वहाँ पर हम देखना चाहते थे एक शिवा मंदिर, जिसे EME मंदिर कहते हैं, विच इज़ टेकन केयर बाय द आर्मी, बट ड्यू टू कोविड इट वॉज क्लोज. तो फिर आ गए हम वहाँ सिटी सेंटर में, हमारे होटल के पास ही वहाँ का मेन पार्क है जिसे सायाजी पार्क बोलते हैं. हमने वहाँ थोड़ा शाम को टाइम स्पेंड किया, और एक बहुत पुराना गाना था, चक्के पे चक्का ब्रह्मचारी फिल्म थी पुरानी, उसका उसकी शूटिंग इस पार्क में हुई थी. राइट इन सिटी सेंटर देयर इज अ पार्क विच इज नोन एज सायाजी पार्क, जो सायाजी महाराज गायकवाड़ 3 ने बनवाया था. हम यहाँ पहुँचे तो शाम हो गया था, क्योंकि दिन में बहुत गर्मी थी, तो इसलिए हम आए ही शाम को. इसमें जू है, प्लेनेटेरियम है, म्यूजियम है, तो वो तो तब तक बंद हो गया था. इट्स फेमस फॉर दिस फ्लोरल क्लॉक, जो टाइम अभी दिखा रहा है 6:45 शाम के. इसमें एक ट्रेन भी है जिसे टॉय ट्रेन कहते थे, जिसमें चक्के पे चक्का पुरानी फिल्म ब्रह्मचारी की शूटिंग हुई थी. अब जो ट्रेन है उसे ये लोग जॉय ट्रेन कहते हैं, जिसमें एडल्ट भी जा सकते हैं. 20 मिनट की राइड देती है वो पार्क में, और आपको बड़ौदा सिटी के बारे में, उसकी हिस्ट्री के बारे में बताती है. इट वॉज अ नाइस एंड ब्यूटिफुल पार्क. सो फॉर डिनर वी वॉन्टेड टू गो टू सम प्लेस टू ट्राई सम काठियावाड़ी फूड, बट वन वी आर लुकिंग फॉर द रेस्टोरेंट वी केम अक्रॉस दिस प्लेस सासू माँ. ये गुजराती थाली थी, सो वी केम हियर और देट वॉज अ गुड डिसीजन. खाना बहुत ही अच्छा था, और इतनी बड़ी थाली की देख के तो पहले बेहोश हो गए कि कैसे खाएंगे, बट देन द फूड वॉज सो गुड दैट वी मैनेज टू पॉलिश इट ऑफ, और इट वॉज क्वाइट रीजनेबल ऑल्सो. 2 लोगों के खाने का विद ऑल द टैक्सेज एंड ऑल दैट हमें 600 खाली लगा यहाँ पे. सो इट वॉज अ गुड प्लेस. सो एज यू कैन सी वी कैन वी ट्राइड ऑल काइंड ऑफ थालीज एंड वी लव देम ऑल. सो बड़ौदा इज़ अ नाइस सिटी, आप आइए और देखिए, अच्छा शहर है ये. और नेक्स्ट वीडियो में हम आपको केवड़िया ले चलेंगे, जो बड़ौदा से ज़्यादा दूर नहीं है, टू सी स्टैचू ऑफ यूनिटी. सो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो कर ही दो प्लीज़. एंड बाय, सी यू सून.